अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि पानी की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से लोग पानी कह रहे हैं भर लें। हम मैं आपको दिखा रही हूँ, पानी नहीं है गुरंगी में। एक हफ़्ता हो गया जब से बारिशें बंद हुई हैं, कराची का बहुत बुरा हाल है। एक हफ़्ता होने हो गया है और पानी नहीं आया बिल्कुल भी। तो ये कि किसी किसी जगह पे आ भी रहा है तो वो भी एक दिन आ रहा है, तो बस इस तरह कहीं पे भी पानी नहीं है। गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है किचन में सब और फैला रख पड़ा हुआ काफ़ी लोगों है, ने किचन टैंकियाँ में वगैरह पानी डलवाई है हैं, लेकिन लेकिन भरी वही नहीं है, जो पानी नहीं है। पानी मोटर जब से भरती है बारिशें उससे हुई तो हैं, जब से उसके पानी है मुतबादल तो कुछ भी कुछ नहीं नहीं, है। और यही है बुरे कि हालात हैं। लोग तो पानी मैंने लगा सोचा के आपसे शेयर करना चाहिए। हम लोगों ने भी अपना टैंक दिखाऊंगी, मैं भी आपको, टैंक भी खाली हो गया है बिल्कुल, एक कतरा पानी नहीं है। जो थोड़ा बहुत था वो मोटर से पाइप डाल के उसमें खींच लिया, और ये देख सकते हैं आप, इस तरह पाइप लगा के हमने पानी खींच लिया। इससे ये थोड़ा बहुत यूज़ का पानी, इस्तेमाल के लिए पानी हो जाएगा, बाकी टैंक तो बिल्कुल खाली है। तो टैंक भी साफ़ कर देंगे इसी बहाने, क्योंकि खाली हो गया, लेकिन टैंक को साफ़ करने के लिए भी पानी चाहिए। तो देखते हैं कि अभी जो थोड़ा बहुत पानी है उसे टैंक साफ़ करते हैं या इस्तेमाल के लिए रखते हैं। बहरहाल बहुत बुरा हाल है, ना लाइटें होती हैं, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। अब लाइट्स आ गई हैं बारिश के बाद, तो पानी नहीं है। और ऐसे पहले भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है, ये नहीं कि पहली दफ़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि हाँ एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया पानी नहीं आ रहा, ये चीज़ पहली दफ़ा हुई है। वैसे 3-4 दिन तो नॉर्मल होता ही है, पानी नहीं होता अक्सर औकात गर्मियों में ख़ास तौर पर।